अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिसबाह किचन में। आज हम बनाएंगे मसाला चाय का पाउडर, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ, हाफ सिनेमन स्टिक, 8 से 10 हरी इलायची, 6 से 8 काली मिरी, 4 से 5 लौंग, एक जायफल, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट। अगर आपके पास में सूखी अदरक है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। इन सब खड़े गरम मसालों को हम रोस्ट करेंगे। इसे हम बिल्कुल भी स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आप अगर हाई फ्लेम पर इसे रोस्ट करेंगे तो ये एकदम से जल जाएगा, सौंफ जो है बहुत ही जल्दी जल जाती है। फिर हमारे मसाला चाय में जला हुआ स्मेल आएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। खड़े गरम मसाले को हम इसीलिए सेक रहे हैं ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए और ग्राइंड करने में हमें आसानी हो। 2 से 3 मिनट हमें हो गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। इसे एकदम से ठंडा होने के बाद ही हम मिक्सर में इसे ग्राइंड करेंगे। अब मैं इसमें जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे एक बार और ग्राइंड करूँगी ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। मसाला पाउडर के साथ में एक अच्छी सी गर्मा गर्म सी चाय बनाएंगे। एक पैन में हम 2 कप पानी लेंगे, टी पाउडर 2 टेबल स्पून। अब हमने जो मसाला चाय का पाउडर बनाया है वो 1/2 टी स्पून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं 3 मिनट हो गया है, अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम गर्मा गर्म चाय को सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी मसाला चाय की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।